तो ये है हमारा मिनी गार्डन जो हमने घर के आगे बना रखा है। आपको पहले दिखाता हूँ मैं। सबकी सफाई करने वाले हम दोनों, तो अभी दिखा देता हूँ कि अभी क्या कंडीशन है और सफाई करने के बाद कैसा चेंज होता है। इनके पत्ते जो है धूप से और जो हवा चलती है उससे टूट जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अभी 10-12 पत्ते और इसकी कटिंग करी जाए। ये गाइस बैंगन के बीज लगाए थे मैंने, तो इनमें से आधे हुए आधे नहीं हुए। जो हो चुके हैं उनको अभी बड़े गमले में या फिर ज़मीन में लगाना। ये देखिए इसका तना तो काफ़ी पतला है और जो ऊपर इसका जो बाकी टहनी हो चुकी है काफ़ी वजन लदा हुआ है टहनियों पे, तो झुक चुका है, काफ़ी झुक गया है। इसकी वजह से क्या है छोटे पौधों पे ओस नहीं पहुंच पाते। तो हम क्या करेंगे कि जो नीचे की 3 टहनी है इनको काटना है। डेली डेली इनके इतने खराब आम निकल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अंदर ये ऐसे ऐसे निकलते हैं। अरे आज एक बार से यहाँ पे झुक गए। कांटे छिद रहे भाई हाथ में यार। एक गमले में जो बड़ा गमला है इसमें हम 2 लगाएंगे। ये
कि सारे गमले तो फुल हो चुके हैं, फिर भी इसमें तीन पौधे भी एक्स्ट्रा हैं। इनको क्या करेंगे, एक बीच वाला तो हम इसी में रहने देंगे, ये जो दो पौधे बाकी इसको जब क्यारी बनाएंगे उसमें लगाऊंगा मैं। तो चलिए क्यारी की तैयारी कर, यहाँ पे क्यारी बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे गड्ढा करना पड़ेगा। में कम से कम मैक्सिमम दो पौधे हैं, तो इनको एक एक अलग अलग गाड़ेंगे, थोड़ा गैप देकर। राइस बीज मिल चुके हैं मुझे, दो कलर का है, एक रेड है, एक ये वाला येलो है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे नई, क्योंकि जो पुरानी मिट्टी है वो वेस्ट हो चुकी है, उसकी एनर्जी निकल जाती है, इसलिए वो पुराने पौधे ही नहीं हुए, तो ये क्या होंगे, है ना। उपजाने के लिए हम दोनों ट्राई करेंगे, दोनों तरीके, तो कुछ छह बीज इसको ग्लास में लगाएंगे, बाकी ऐसे ही लगाएंगे अंदर जमीन में, देखते हैं कौन सा जल्दी ग्रोथ करेगा। हमने नन्हे पौधों का घर तैयार कर दिया, अब उनको थोड़ा थोड़ा सा पानी दे देंगे, जिससे क्या है इसकी जड़ें जो है चिपक जाए। कि पौधे हम सभी को लगाने चाहिए, क्योंकि इंसान दुआ दें या ना दें आजकल हमें पौधे ज़रूर देंगे।